हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू एमएम क्रिप्टो चैनल। तो अगर आप कोई एनएफटी खरीदने वाले हैं तो खरीदने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप एक अच्छी एनएफटी बाय कर पाएंगे और अच्छे पैसे कमा पाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल रेरिटी का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आपने वो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जब आप कोई एनएफटी खरीदने वाले हैं आपने क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। आपने ये देखना है कि जो कोई भी एनएफटी का कलेक्शन होता है उसके 6 डिफरेंट रेरिटी होते हैं, ठीक है। मतलब 6 डिफरेंट हम कैटेगरी कह सकते हैं, 6 डिफरेंट कैटेगरी होती है उनकी। जो कॉमन होती है, ठीक है, जो कॉमन होती है वो वर्थ होती है 40% ऑफ द कलेक्शन की, वो बिल्कुल नीचे होती है, ठीक है। 40% होती है वो कलेक्शन के अंदर कॉमन जो होती है, ठीक है। मतलब कि उसके आपको एक फ्लोर प्राइस ही मिल सकता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता है। जो अनकॉमन होती है वो भी 60% होती है कलेक्शन के अंदर, टॉप 60% होती है कलेक्शन के अंदर, और वो भी आपको फ्लोर प्राइस से थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको उस अगर आप कोई एनएफटी में परचेज करने वाले हैं, अगर आपके पास दूसरी और कैटेगरी की एनएफटी अगर उसी कलेक्शन की होगी, तो आप उसी कलेक्शन में फ्लोर प्राइस से डबल ट्रिपल पैसे कमा सकते हैं एक ही एनएफटी सेल करके। तो आप देख सकते हैं ये जो रेयर है, रेयर टॉप 35% है ऑफ द कलेक्शन का, ठीक है। अगर आपके पास रेयर होगी तो आपकी जो एनएफटी होगी वो फ्लोर प्राइस से ज़्यादा में सेल होगी। फिर आप देख सकते हैं ये एपिक है, एपिक 15% होती है कलेक्शन के अंदर, और जो आपके पास अगर एपिक होगी तो वो आपकी कॉमन, अनकॉमन, रेयर और एपिक रेयर से ज़्यादा एक्सपेंसिव सेल होगी। जो समझे कि एक कॉमन जिसने 5 एनएफटी बाई की, तो आपकी एक एनएफटी के अंदर आपके पास अगर एपिक होगी तो आपकी एक एनएफटी का उसकी 5 एनएफटी के प्रॉफिट के बराबर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। जिस तरीके से एपिक 15% होती है और लेजेंडरी जो होती है वो 5% बनती है किसी भी कलेक्शन के अंदर। लेजेंडरी जो वीआईपी एनएफटीज होती हैं और जो उसी कलेक्शन की बहुत खूबसूरत एनएफटीज होती हैं, और मतलब जो सबसे बेस्ट होती है, वो 5% बनती हैं किसी भी एनएफटी की कलेक्शन के अंदर। तो जिसके पास लेजेंडरी होगी तो जाहिर सी बात है उसको इन चारों रैंक से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। और जिसके पास मैथिक होगी, मैथिक बहुत ही खुशकिस्मत लोगों के पास आती है, ठीक है, सिर्फ ये 1% बनती है। मेरे ख्याल से जो ये 1% बनती है वो जो ऑनर होता है वो ये उसी के पास ही आ जाती है, या बहुत मुश्किल से ये जब हम मिंट करते हैं तो ये हमारे पास आएगी। ये इसके चांसेस 99% हमको मिलने के नहीं है, ठीक है। जो मैथिक होती है वो टॉप 1% ऑफ द कलेक्शन होता है, ठीक है, और वो सबसे एक्सपेंसिव सेल होता है। अगर 1,000 कलेक्शन बनी, ठीक है, वो 10 बनेंगी और 10 जो होंगी वो सबसे एक्सपेंसिव टॉप का प्राइस होगा। अगर फ्लोर प्राइस 4 सोल चल रहा होगा, हो सकता है वो 100 और 150 सोल पे सेल हो रही हो। ये डिपेंड करता है कलेक्शन के ऊपर, और डिपेंड करता है आर्टिस्ट के ऊपर, और डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन हमें कोई भी एनएफटी खरीदते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको सोल रेरिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनका डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, इसमें आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी। अभी एनएफटी खरीदने से पहले आपको किस तरीके से रेरिटी चेक करनी है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, आपने कोई भी कलेक्शन खरीदने से पहले, समझे कि मेरा दिमाग आज बन रहा है, मेरा ध्यान बन रहा है कि मैंने आज 10 सिटी खरीदनी है, ठीक है। तो 10 सिटी के अंदर इधर मुझे बहुत सारी एनएफटियां दिख रही हैं, ठीक है, इसका 20 सोल प्राइस है, इसका 15 सोल प्राइस है, इसका 12 सोल प्राइस है। तो मुझे यहाँ बहुत सारी एनएफटियां दिख रही हैं, और मैंने इसको किस तरह चेक करना है कि मैं किस तरीके से ये खरीदूँ, और कौन सी एपिक है, कौन सी लेजेंडरी है, और कौन सी कॉमन है, और कौन सी अनकॉमन है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये देखना है, 890 इसका नंबर है, इसका 491 नंबर है, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने दोबारा सोल रेरिटी पे आना है। सोल रेरिटी पे आने के बाद इधर मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है, उसके बाद रेरिटी लिखना है, उसके बाद कलेक्शन 10 सिटी लिखना है, फिर जौन सी आप परचेज कर रहे होंगे, ठीक है, उसका नंबर लिखना है। जौन सी आप परचेज कर रहे होंगे उसका नंबर लिख के आपने इंटर कर देना है। जब आप इंटर कर देंगे, आप देख सकते हैं ये मैंने इंटर किए। अब ये मुझे बोल रहे हैं ये अनकॉमन है, ये अनकॉमन है, और इसके कलेक्शन के पीस बता रहे हैं 3333 बन चुके हैं, और ये अनकॉमन है। मेरी वाली अनकॉमन है जो मैंने अभी सेलेक्ट की, देखें 890 इसका वहाँ पे नंबर शो कर रहा था, इसका रैंक है 1653 इसका रैंक है। अभी हम दूसरी चेक करते हैं आपके सामने। अब हम दूसरी चेक करने के लिए भी दोबारा मैजिक इडन पे आएंगे, मैजिक इडन पे आके 491 को चेक करेंगे, दोबारा डिस्कॉर्ड पाएंगे हम।
डिस्कॉर्ड पे आने के बाद दोबारा हम इसको अपना पेज कर देंगे, 491 लिख देंगे इधर, 491, 491 को एंटर कर देंगे हम। तो आप देख सकते हैं 491 जो है वो एपिक है, 491 एपिक है, रैंक इसका 478 है, और आप ये देख सकते हैं एपिक है, और एपिक है तो मतलब थोड़ी एक्सपेंसिव बिकेगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये क्या रेट पे लगी हुई है, ये 1500 रुपये लगी हुई है, 2600 रुपये लगी हुई है। देखें ये अनकॉमन थी और ये महंगे पे लगी हुई है और ये सस्ते पे लगी हुई है, हमको यही चीज़ देखनी है ताकि हम धोखा ना खा पाए। और आप ये देख सकते हैं 2733, ये 1200 रुपये लगी है, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, 2733 इसका नंबर है, हम इधर गए हैं। आपने क्या देखना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क, रेलिटी, करेक्शन, फिर जो सी आपकी कलेक्शन होगी ना, जिस तरह ये 10 सिटी कलेक्शन है, तो 10 सिटी करके उसका नंबर आपने लिखना है जो शो हो रहा होगा, जिस तरीके से अभी ये 10 सिटी है, दूसरी आपके पास ओके बी आर कोई भी आपके पास कलेक्शन होगी, उसका नाम लिख के फिर उसका जो नंबर शो हो रहा होगा आपने वो लिखना है उसका। अभी आप देख सकते हैं इसका नंबर क्या था, 2733, 2733 हम इधर लिखेंगे, 2733 हमने टाइप किया, इसको इंटर किया, अब हमें इसका रैंक बताएगा, ठीक है। 2733 आप देख सकते हैं ये रियर है, रियर है, और इसका 1076 इसका रैंक है, ठीक है। और आप देख सकते हैं 1076 इसका रैंक है, और ये 1200 में बिक रही है, ठीक है, ये 1200 में सेल पे लगी हुई है। इसलिए सबसे पहले आपने खुद अपना अंदाजा लगा लेना है, खुद चेक कर लेना, आपने सबसे पहले आपने खुद आपने चेक करना है आपकी जो NFT जो खरीदने वाले हैं वो कॉमन है, अनकॉमन है, रेयर है, एपिक है, मैथिक है, लेजेंडरी, ये आपने खुद चेक करना है, क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या चीज़ है, आपने सिर्फ ओनली प्राइस पे नहीं जा रहा, हो सकता है किसी ने अपनी कॉमन जो है अनकॉमन और कॉमन उसने सबसे हाईएस्ट रेट पर डाली हो, आप ये सोचेंगे भाई इसके तो रेट ज़्यादा है ये अच्छी होगी, तो इस पे नहीं जाना है आपने, आपने सबसे पहले अपनी इसकी आपने चेक कर लेनी है रेलिटी, ठीक है, वो आपने इधर से चेक करनी है, मतलब आपने जो आप परचेज करने वाले हो उस कलेक्शन का नाम, ठीक है, और उसका नंबर, जिस तरह ये NFT का नंबर 1145 1273 1490 उधर आप टाइप करेंगे, आपकी NFT का जो रैंक होगा रेलिटी होगी वो आपकी शो हो जाएगी, ठीक है। आपने इस चीज को फॉलो करना है, इस चीज को अच्छे से फॉलो करके आपने कोई भी NFT के अंदर अपने कीमती पैसे लगाने हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया किस तरीके से आपने NFT को बाय करना है और क्या चीजें आपको मालूम होना चाहिए बाय करने से पहले। अगर आप एक अच्छी NFT बाय करने में कामयाब होते हैं तो समझे कि आपने आधा प्रॉफिट उसी वक्त कमा लिया, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरे भाई, तो हम कभी नहीं कहते आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें फ़ायदा है आपका, अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इसमें नुकसान आपका है, तो ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं, आपको क्या करना है। उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी, इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी अच्छे ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।